सिंपल पेंडुलम। देखिए सिंपल पेंडुलम क्या होता है, सबको मालूम है। यह दृढ़ आधार ले लिया, इधर से एक धागा लटका दिया, इधर हम एक गोला इस पर लटका दे और इसको दोलन कराएं इस प्रकार से, तो यह बन जाता है सिंपल पेंडुलम। अब इसमें यह जो गोला दिया हुआ है, जरूरी नहीं है अपन गोला ही लें, किसी भी आकार आकृति की वस्तु ले सकते हैं, ठीक है। ये धागा जो है ये बिल्कुल द्रव्यमान रहित धागा होता है, पतला धागा लेना चाहिए। और अगर इसका खुद का अपना द्रव्यमान होगा तो फिर ये जो सूत्र निकालेंगे हम वो प्रॉपर तरीके से नहीं निकलेगा, क्योंकि उसमें फिर इसका द्रव्यमान केंद्र भी कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा। तो धागे का द्रव्यमान क्या हो गया, लगभग शून्य, केवल गोले का ही द्रव्यमान है। इसमें प्रभावी लंबाई लेते हैं, प्रभावी लंबाई कहां से होती है, ये जो निलंबन बिंदु है, निलंबन बिंदु मतलब जहां से ये लटका हुआ है तार, यहां से निलंबन बिंदु से इस जो भी वस्तु यहां लटकी है उसके द्रव्यमान केंद्र तक की दूरी। तो द्रव्यमान केंद्र ये है, सेंटर पे गोला है, हमने अपनी सुविधा के लिए गोला इसलिए ले लिया है क्योंकि इसका द्रव्यमान केंद्र सेंटर पे होता है, हमें पता है सिंपल तरीके से निकल आएगा, इसलिए एल ले लिया लंबाई और ये गोला ले लिया। इस गोले का द्रव्यमान मान लो एम है, ठीक है। अब इस गोले को थोड़ा सा इधर खिसका दिया, उठा के इधर, तो ये कोण बन गया ये थीटा। ये कोण भी बहुत ज्यादा नहीं होता, ये जो है 10 डिग्री से 15 डिग्री तक की ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। तो फिर क्या होगा इस स्थिति में, इस पर एक तो नीचे लगेगा इसका भार, पृथ्वी इसको खींचेगी mg से, इसमें इधर लगेगा एक तनाव बल T धागे के अंदर। और अगर इसमें इसको पीछे मिला दूं मैं, तो यहां पर ये कोण थीटा है तो ये भी कोण क्या होगा थीटा। इस mg के कंपोनेंट कर लो, mg cos थीटा, इधर कौन सा होगा mg sin थीटा। mg cos थीटा तो T से बैलेंस हो गया, ये mg sin थीटा इसको फिर से वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में लाने की कोशिश करेगा और यही इसका प्रत्यानयन बल होगा। तो प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल कौन सा होता है जो इसको प्रारंभिक स्थिति में लाने की कोशिश करता है, तो वो कितना है mg sin थीटा, ठीक है। और आप ये जानते हैं कि प्रत्यानयन बल mg sin थीटा जो होता है उसको क्या लिख सकते हैं, यही प्रत्यानयन बल है, तो इसको हम F लिख दें, एफ एस रीस्टोरिंग फोर्स जिसको कहते हैं, बोलो एफ एस लिख सकते हैं। और यहां पर एम जी साइन थीटा मिल गया, अच्छा साइन थीटा को क्या लिख सकते हो फिर, साइन थीटा को लगभग क्या ले लो, थीटा ले लो, और थीटा को फिर क्या लिख सकते हैं, हाँ चाप बटे त्रिज्या उस, ये लिख सकते हैं। चलिए यहां से पहले अपन ये देखें एफ एस, एफ एस बराबर आया एम जी, अब उसके कारण ये दोलन करेगा, ठीक है करेगा कि नहीं, तो एफ एस को सिंपल हम एम ए लिख लें, ठीक है। माइनस साइन इसलिए लगा लेते हैं क्योंकि इसकी दिशा कहां होती है, विस्थापन के विपरीत होती है, तो माइनस एम जी साइन थीटा को लिख दिया सिंपल थीटा, क्योंकि कोण छोटा है तो साइन थीटा लगभग थीटा के ही बराबर होता है, यही हो रहा है, कोई दिक्कत। अच्छा एफ एस से करेंगे तो क्या होगा, एम से एम तो कट गया, ए आ गया, माइनस जी थीटा को क्या लिखेंगे, ये वही जो यहां से यहां तक मान लो विस्थापन एक्स है, तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, त्रिज्या कितनी एल और एक्स, ये चाप हो जाएगा, तो इसको क्या लिख दिया एक्स बाई एल, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम यहां से एक्स वाई ए का मान निकाल लें, यानी विस्थापन बटे इसका मान निकाल लें, तो एक्स बाई ए का मान कितना आएगा, बोलो एल बाय जी, केवल परिमाण निकाल रहे, ठीक है। आवर्तकाल का सूत्र होता है टी बराबर टू पाई अंडर रूट एक्स अपॉन ए, अंडर रूट क्या होता है एक्स अपॉन ए, तो बस एक्स अपॉन ए की जगह क्या पुट करना है एल बाय जी, तो टी बराबर हो गया टू पाई अंडर रूट एल बाय जी,
ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसको अपने को हर तरह से ध्यान रखना है। तो जब कभी भी कोई भी आगे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हम करेंगे तो सब में पहले एक्स वाई ए निकालना पड़ेगा। एक्स वाई ए निकाल के यहाँ रख दो तो अपना आवर्तकाल निकल आता है। तो टी बराबर टू पाई अंडर रूट एल बाई जी हो गया। अब आप देख रहे हैं कि ये जो आवर्तकाल है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। एक तो लंबाई रूट एल हो रहा है, तो लंबाई के समानुपाती है, यानी इस लोलक की लंबाई अगर बढ़ जाए तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, घट जाए तो आवर्तकाल घट जाएगा। जी पे भी डिपेंड कर रहा है, जी के व्युत्क्रमानुपाती है, जी बढ़ जाए तो टी कम हो जाएगा, जी कम हो जाए तो टी बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि टी बराबर टू पाई अंडर रूट एक्स अपॉन ए ये कैसा आया तो ये भी सोच सकते हैं। देखो ए बराबर क्या है, माइनस जी एक्स अपॉन एल। एक सूत्र ऐसा चम में आप पढ़ते हो ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यही होता है। तो अगर मैं तुलना करूं ओमेगा स्क्वायर को जी बाई एल के बराबर लिख सकता हूं, एक्स का गुणांक उधर भी एक्स का गुणांक, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या आया जी बाई एल। ओमेगा स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, टू पाई बाय, क्यों किधर से आ रहा है, कितने बज गए, साढ़े आठ हो गए, चलो एक क्लास मिस हो गई दूसरी तो चलेगी। ओमेगा बराबर अंडर रूट जी बाई एल, इसको टू पाई बाई टी लिख सकते हैं, अंडर रूट जी बाई एल। तो देखो टी बराबर कितना आया, जी बाई वही आ जाएगा, टी बराबर टू पाई अंडर रूट एल बाई जी, ऐसे भी कर सकते।